So today we are trying the world's most expensive mango. I've never been so turned on, Sati. दो मैंगो से भी सस्ती है मेरी बाइक. बता यार तेरा जापान ट्रिप कैसा रहा? ये मेरा ड्रिप दिख रहा है, टोक्यो ड्रिफ्ट. टोक्यो ड्रिफ्ट. आसम खास, आमे खास तशरीफ ला रहे हैं. भाई हम तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं. इतनी लाइटिंग, इतना ड्रामा आम के लिए. 2.5 लाख का आम ब्रो. ये आम है तो मतलब ये अभी इस प्लेट में 1,25,000. 1,25,000 रखे इस प्लेट में. ये मैंने खुद नहीं देख. 2 इज इनसेन. ओके तो पहले भाई स्मेल तो बहुत तगड़ी है. कैडी है भाई ये. यहाँ पे इन्होंने बेसिकली वो जो होते हैं ना प्राइस और डेट, शायद वो है. ये मार्किंग कर रखी है इनकी. तो मियाज़ाकी एक जगह है बेसिकली जापान में जहाँ पे हार्वेस्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम मियाज़ाकी है. ये लौता आम है इस दुनिया का जो किलो के हिसाब से नहीं बिकता, एक सिंगल यूनिट के हिसाब से बिकता है. इनका ऑक्शन लगता है पता है. वेदर, पर्टिकुलर वेदर चाहिए, हॉटनेस होनी चाहिए उस जगह, उधर बारिश भी होनी चाहिए. हम दोनों को जाना चाहिए ना उधर. मतलब अगर हम खड़े होंगे तो ये आम थोड़ी जल्दी पक जाएगा, समझ रहे हो? मतलब कि नहीं, बारिश भी तो चाहिए उसके लिए. तेरा KTM कितने का है? भाई मेरे KTM कुछ 1.5-2 लाख का है. दो मैंगो से भी सस्ती है मेरी बाइक. Probably this is the shortest OK Dashed video क्योंकि सिर्फ एक चीज हमें खानी है, क्योंकि इससे ज्यादा बजट था नहीं ना. हिंदुस्तान में एक मध्य प्रदेश में एक जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर फैमिली ने एक खेत ले रखा है जहाँ पर वो जर्मन शेफर्ड रखते हैं और इसकी प्रोटेक्शन रखते हैं. सिक्योरिटी गार्ड्स हायर किए थे विद गन एंड ऑल टू सेव दैट, मतलब कोई चोरी ना कर ले, समझ रहा है भाई? आई वुड ऑल्सो डू द सेम. क्या ये क्या ये? सोने का चाकू दे. सोने का चाकू हमें चाहिए सब. बस तू दांत निकाल अपना. एक एक सेल्फी. हाँ भाई श्योर. चालू करें? बिल्कुल. I've never been so turned on, Sati. Cheers to the most expensive shirt we are having. My father used to tell me these things. ये लो, इसको तरीका होता है. ये ऐसे किया, हल्का सा ये. ओह, ये देख. मैं लेने की चेष्टा रखता हूँ. Very रसीला भाई. भाई दे दे, ला दे भाई. लो लो लो. This is therapy, bro. भाई ये बहुत सही है. ये बहुत ही सही है भाई. बेसिकली इसका जो पल्प है उसमें आपको अपने दांत के जोर लगाने की जरूरत नहीं है. टच करते ही अपने आप ऐसे एकदम कट के एकदम स्लाइस हो गया, अपने आप मुंह के अंदर बस जा रहा है. मेल्ट इन योर माउथ जो है ना सेंटेंस, वो आई थिंक मियाज़ाकी आम के लिए ही बनाए. तो हम लोग इसकी रिसर्च कर रहे थे कि मियाज़ाकी मैंगोज इतने महंगे हैं. खा लूं उसको? नहीं अभी. मियाज़ाकी मैंगोज इतने महंगे हैं हिंदुस्तान में, लेकर आते कहीं से जुगाड़ते हैं. तो अमेजोन पे ही अवेलेबल था और कहीं अवेलेबल नहीं था. अमेजोन पे कितने का? अमेजोन पे कुछ 2,000 रुपए तक का अवेलेबल था. तो नकली होगा? नहीं, तो वो सिर्फ सीड था. वो सिर्फ सीड था. ऐसे बहुत प्रोसेस लगता है पता है इसके पीछे बनाने के लिए. देयर आर बीज आल्सो बिहाइंड इट. सो बेसिकली पॉलिनेट होता है, फ्लावर वाला एक प्लांट होता है, उसमें ये निकलता है. इट्स नॉट एग्जैक्टली ट्री, ठीक है? और उस फ्रूट को पॉलिनेट करने के लिए बीज लगते हैं. तो विदाउट द बीज ये मैंगोज इतने बड़े नहीं होते. एक साल लगता है और एक ट्री से ज्यादा एक साल में 200 मैंगोज निकलते हैं बस. दे आर रियली रेयर. बीज से भी मेहनत करवा रहे भाई आम के लिए. खाएगा तो उसका, मैं खा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मैं इसका छिलका एक्चुअली खा रहा हूँ भाई. नहीं, रोटी आम. ये सही में रोटी आम जैसा है भाई. खा सकते हो जैसे रोटी और आम को आप खाते हो वैसा लिटरली भाई. अगर इंडिया में कोई आम से इसको क्लोजर टेस्ट में बोलूं तो आई थिंक इट वुड बी लंगड़ा. अल्फांसो, अभी मेरा सही बताऊं तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा एक पैसे का ये खाने का. इंग्लिश में बेसिकली इट्स एग ऑफ द सन. इन जापानी इट्स कॉल्ड तायो नो तमागो. तायो नो तमागो. तायो नो तमागो. तो जो सारे मैंगोज हार्वेस्ट होते हैं एक साल में उसमें से जो टॉप 15-16% है ओनली दो आर तायो नो तमागो एंड दिस इज वन ऑफ दोज ब्रो. ओ भाई ये भी सही लग रहा है. ये भी सही लग रहा है देख. भाई मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा लेकिन मैं समझ सकता हूँ. भाई इस आम के बाद नहीं खा सकते ये. तो बहुत खट्टा है ब्रो. ये भी सही है. तूने कभी बाघ से एक्चुअली तोड़ के खाया, ढेला मार के खाया? मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में था ना तो मेरी बहुत मेमोरी ब्लर्ड है.
यू नो व्हाई एग्जैक्टली याद नहीं मुझे बट मैंने पेड़ से गिरे हुए आम खाए तो है समझ नहीं आ रहा कौन सी लग रहा है मेरे को नहीं अच्छा तो ये लग रहा है क्योंकि ये ना ये पल्पी ज्यादा है जूसी कम है ये जूसी ज्यादा सही बात है बट भाई मैंगो इज लाइक टेक मी बैक टू टाइम लाइक जस्ट रिमेंबर तू स्कूल से आया वापस ठीक है खाना वाना खाया तूने फिर वापस तो खेलने गया खेल के तू वापस आ रहा है पंखा चल रहा है ठीक है फैन चल रहा है तू बैठा है और मम्मी मस्त ऐसे आम काट के तुम्हारे सामने तेरे और बहन के सामने रख दिए तुम टीवी देख रहे हो दूरदर्शन देख रहे हो और वो कटे हुए आम तुम चूसते हुए अपने टी शर्ट में गिराते हुए चाटते हुए उंगलियों को खा रहे हो क्या विजुअल था वो दिन होते क्यों थे क्लास अभी भी तो पैसा कमाते हैं ना लोग दारू की पेटी खरीद रहे हैं मैं जो आम की पेटी और क्या है यार मतलब ये आम खाते हैं ब्रो आज मैं कह रहा हूं सर्कल बनाएंगे नीचे पेपर बिछाएंगे और खेटम खेट पूरा लेट्स डू सम डैंक डैडी स्टफ या ब्रो लेट्स ईट सम मिर्च लगा के बेसिकली नमक और मिर्च लगा के मैंने कच्चा आम खाया जो अंबियां होती है अच्छा जो ग्रीन कलर का होता है उसको अगर नमक मिर्च लगा खाओगे ना आहा इतना सही टेस्ट मतलब स्पाइसी एंड टैंगी समझ रहे हैं कच्चे मैंगो के साथ कर सकते हो क्या गिर उसके साथ तुमने कुछ थोड़ा सा नमक डाल दिया सॉल्टीनेस के लिए बहुत अच्छा लगता है जस्ट ट्राई इट वंस फरुखाबाद में सिकंदरपुर करके एक गाँव है सिकंदरपुर खास तो वहाँ पे पूरी आम की खेती हुआ करती थी और हमारे बगीचे हुआ करते थे बड़े बड़े पापा के साथ जाते थे मैं सारे कजन्स बाल्टी भर के पेड़ों से आम तोड़ते थे फिर ट्यूबवेल में हम थोड़ी देर चिल मारते थे बाथटब बेसिकली देसी बाथटब आम वहीं पे धोते थे वहीं पे खाते थे ट्यूबवेल अंदर ही लेटे हुए वहीं पे धो रहे वहीं पे काट रहे खा रहे बट तूने अलग अलग फॉर्म में खाया जैसे बिहार में खाया जाता है चूड़ा और उसके ऊपर आम का पल्प पूरा भर के भाई बहुत अच्छा लगता है सुनने में आई एम श्योर अजीब लग रहा होगा बट कभी ट्राई करना मैं तो रोटी के साथ मैंने खाया इसको क्या बात कर रहे हो रोटी मतलब एक रोटी लो रोटी तोड़ो और आम लो मेरे को मैंने बहुत खाया है ब्रो मुझे बहुत सही लगता है मैं छोटा था तो मैं एक बार ऐसे चलते चलते बंदरों के बीच में बैठ के मैं भी आम खाने लग गया और उन्होंने कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोला ये तो हमारे गैल का लौंडा आंदे आंदे भाई मुझे जेन्युइनली ऐसा कभी नहीं लगा था कि हम एक पूरा वीडियो करेंगे जिसमें हम दो दोस्त बैठ के सिर्फ एक आम खाएंगे एक आम खाएंगे दैट इज ट्रू कभी नहीं सोचा था 100% वर्थ इट है भाई मैं इसके 5 करोड़ दूंगा चल ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए हाँ, तो 5,000 बोलने वाला था 10,000 किलो यार देखो ये तो हमने टाइटल के लिए किया है कि 2.5 लाख का है तो जापान से हमारे लिए आम विश्वास ले गया है तो ये हमें पड़ा 2.5 लाख का नहीं पड़ा इंडिया में 2.5 लाख का है ये अच्छा ऐसा है क्या जापान से मंगाओगे ना तो सस्ता पड़ता है तो हमें 12,000 का पड़ा है क्योंकि ज्यादा एक्साइट का हो रहे हैं इतनी जल्दी क्योंकि इंडिया में ये 2.5 लाख का है ओके गाइस हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था हमें बहुत मजा आया दुनिया का सबसे महंगा आम ट्राई करके वी होप आपको भी उतना ही मजा आया हो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज दोस्तों लाइक बटन पे मियाज़ाकी फेंक के मारिए कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि अगला फ्रूट हम कौन सा ट्राई करें महंगे से महंगा एंड कमेंट करके बताना आपको इंडिया में सबसे अच्छा मैंगो कौन सा लगता है प्लीज नाम बताना हाँ और सब्सक्राइब कर लेना शेयर कर लेना ओके टेस्ट या प्लीज ऐसे लोगों के साथ शेयर करो अपने मम्मी पापा के साथ ये वीडियो तो शेयर कर सकते हो यार सॉरी भाई तेरे लिए बचाया छिलका बचाया ये ले ले चलो छिलका और किसी को छिलका I'm here without you baby I'm here without you baby I'm here without you baby and then na 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 man